सेक्स नेचर की बनाई सबसे ब्यूटीफुल चीज और इसकी अपनी ही बहुत बड़ी हिस्ट्री रह चुकी है, चाहे वो जानवर हो या फिर इंसान। हर किसी को सेक्स पसंद है और उसके ऑर्गेज्म के तो क्या ही कहने। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि यही सेक्स आपको अमीर बना सकता है, वो भी छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा। और तो और, सिर्फ पैसा ही नहीं, ये आपकी आर्ट क्रिएटिविटी को भी काफ़ी हद तक बढ़ा देगा। ये एक सीक्रेट फार्मूला था जिसे सारे सक्सेसफुल लोग यूज़ करते थे, जाने या फिर अनजाने। लेकिन जब 500 सक्सेसफुल लोगों से उनकी सक्सेस का राज पूछा गया, तब इस फॉर्मूले का पता लगा। और ये बहुत छोटी चीज़ थी, हमने कभी सोचा ही नहीं कि महाभारत काल के साधुओं में इतनी गजब की ताकत कैसे आई, या फिर ग्रेट साइंटिस्ट को ही देख लें, आखिर ये इतने सक्सेसफुल बने कैसे। वेल, उन्होंने सिर्फ एक चीज़ को फॉलो किया जिसका नाम था सेक्स ट्रांसमुटेशन। अब समझने वाली बात है कि आखिर ये होता क्या है, इसे यूज़ कैसे करते हैं, क्या ये काम भी करता है। अब सेक्स का मतलब तो हम सबको पता ही है, और ट्रांसमुटेशन का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर एनर्जी को दूसरे किसी बेहतरीन प्रोडक्टिव काम में लगाना। इसे और अच्छे से समझे तो हम इसमें सेक्सुअल एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। और एनर्जी की डेफिनेशन तो आपको पता ही है कि हम एनर्जी को कभी बना या मिटा नहीं सकते, हम उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी एक चीज़ को दूसरे में। शॉर्ट में बोलूँ तो ये तरीका साइंटिफिकली भी प्रूवन है। तो मैंने जब इस फॉर्मूले के बारे में पढ़ा तो मुझे समझ नहीं आया, ऑनलाइन भी इसका कुछ सही मतलब नहीं था, तो मैंने सोचा इसे खुद ट्राई करूँ। और मुझे 3 महीने लगे इसे अच्छे से समझने में, तो मुझे बहुत पता है इस फॉर्मूले के बारे में। अब सेक्सुअल डिज़ायर तो ह्यूमन नेचर का सबसे पावरफुल टूल होता ही है, तो क्यों ना इस पावर को ऐसे ही फालतू के कामों में वेस्ट करने के बजाय इसे किसी दूसरे प्रोडक्टिव काम में लगा दें, जैसे कि बिजनेस, आर्ट और कहीं भी। क्योंकि लस्ट का फैक्टर तो हम सबके अंदर होता ही है। और एक पॉजिटिव पॉइंट मैं आपको बता दूं कि हमेशा ज़्यादा लस्टी लोग ही सक्सेसफुल बनते देखे गए हैं, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लाइक अब्राहम लिंकन, नेपोलियन बोनापार्ते, विलियम शेक्सपियर, जॉर्ज वॉशिंगटन, ये सभी लोग हाईली सेक्स नेचर के थे, और ऐसे बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल हैं। अब ये काम कैसे करता है? वेल, हमें कोई ना कोई लड़की तो पसंद आती ही है, चाहे वो हमारा पार्टनर ही क्यों ना हो, और उनके लिए हमारे डिज़ायर्स भी टॉप लेवल पे होते हैं। तो जब भी आपके पास ये डिज़ायर आए, जब आपका डिज़ायर टॉप लेवल पे हो, तो बस आप अपने गोल्स को याद करना, और तब देखना आप तुरंत उस काम के पीछे भागोगे और उस काम को अच्छा और प्रोडक्टिव वे में परफॉर्म करोगे। और आप उस टाइम और पहले के टाइम को और आपके टाइम को कंपेयर करना, और आपको रिज़ल्ट अपने आप पता लग जाएगा। अब इसका ये मतलब तो नहीं कि आप शादी ना करो, गर्लफ्रेंड मत बनाओ, या फिर सेक्स ही ना करो। आप डैम में पानी को कितना ही रोक लो, वो कभी ना कभी तो बाहर आएगा ही। आप महीने में 1 या 2 बार तो कर ही सकते हैं, मैं मानता हूँ ये बहुत कम है, लेकिन सक्सेसफुल बनने के लिए आपको कुछ सेक्रीफाइस तो देना ही होगा। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, दैट देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन लव एंड दिस सेक्स। लेकिन इसके लिए आपको गजब की विल पावर चाहिए, क्योंकि 1 हफ्ता तो सही से बीतेगा, लेकिन जब विल पावर टूटती है तो बहुत बुरा लगता है, चाहे वो टीनेजर ही क्यों ना हो। और फिर हम कहते हैं, यार रिकॉर्ड बन रहा था वही टूट गया। तो विल पावर का भी इंतज़ाम है मेरे पास, तो जब भी आपकी विल पावर कम हो जाए या फिर आपका सब्र का बांध टूटने लगे, तो इन ट्रिक्स को फॉलो करना। पहले अपने हाथों को ज़रा दूर रखना, और हो सके तो डीप ब्रेथ लेना। अगर इससे भी बात ना बने तो थोड़े पुशअप्स मार लेना। कहने का मतलब यही है कि एक जगह बैठे मत रहना, थोड़ा वर्कआउट कर लेना। अब आप लोगों का अगला सवाल होगा कि यार हमारा हर समय तो मूड नहीं बनता, तो ऐसी प्रोडक्टिविटी कैसे दिखाएं? वेल, इसका भी इलाज है मेरे पास। सपोज करो कि आप कोई काम कर रहे हो और आपके काम में प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही और आपको चाहिए, तो आप क्या करना, सपोज करना कि आप अपने पार्टनर को प्लीज कर रहे हो, या कोई भी लड़की जिस पे आपका क्रश हो, तो आपने उन्हें चेयर पे बैठे बैठे ही प्लीज कर दिया। और जब आपका वही सेक्सुअल डिजायर टॉप लेवल पे पहुंच जाए, तो बस अपने गोल्स को याद करना, एंड दैट्स इट, आपका काम हो गया। क्योंकि सारा खेल इमेजिनेशन का है, और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि इमेजिनेशन ज़्यादा पावरफुल होती है नॉलेज से। आपको उसी नॉलेज को, मीन्स उसी इमेजिनेशन को हथियार बनाना है अपने फायदे के लिए। आपको अगर अभी भी डाउट है इस कंसेप्ट पे, तो जरा सोचो कि आखिर 30 के बाद के लोग ही बिलियनेयर क्यों बनते हैं, और बहुत ही कम यंग एडल्ट बिलियनेयर क्यों नहीं बन पाते। क्योंकि हमारे पास एनर्जी और डिजायर दोनों होता है, लेकिन हम उसे फालतू के कामों के लिए वेस्ट कर देते हैं,
और 30 और 40 के लोगों के पास वो एनर्जी और डिजायर कम होता है, लेकिन वो उसे प्रीशियसली यूज करते हैं। अब नेपोलियन हिल, जिन्होंने थिंक एंड ग्रो रिच लिखी है, जो 20 साल की रिसर्च और 70 सालों से बेस्ट सेलर रही है, उसमें भी एक कंसेप्ट बताया है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, गरीब और अमीर के बीच में बहुत कम डिफरेंस होता है। तो जरा सोचिए इस टॉपिक के बारे में, अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखिए, आपको रिजल्ट जरूर दिखाई देगा।